नमस्कार मैं प्रिया। आज है 4 दिसंबर, दिन है शनिवार। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सभी सरकारी स्कूल में लगेंगे सोलर पावर प्लांट। मैट्रिक इंटर के टॉपरों को मिला 1 लाख रुपए और लैपटॉप। सीएसबीसी बिहार ने फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए होने वाली पीईटी परीक्षा का जारी किया स्केड्यूल। बिहार में 7 आईएएस को मिला प्रमोशन। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सभी सरकारी स्कूल में लगेंगे सोलर पावर प्लांट। बिहार के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जल्द ही सोलर पावर प्लांट लगाने का काम किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार ये काम जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया जाना है। इसको लेकर राज्य सरकार ने पहले चरण में सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ब्रेडा द्वारा सोलर पैनल लगाने का काम किया था। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। ब्रेडा की तरफ से प्लांट की स्थापना और नेट मीटरिंग के लिए कई बिंदुओं पर विद्यालय प्रशासन और शिक्षा विभाग से अपेक्षा की है। स्वीकृत सिंगल फेज को 3 फेज कनेक्शन कराना होगा, साथ ही तार की भी उपलब्धता रखनी होगी। ब्रेडा और शिक्षा विभाग के बीच इस आशय पर इकरारनामा भी होगा। बिहार के गया के ब्रह्मयोनी पर्वत पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, यही कारण है कि बिहार सरकार भी समय के साथ बिहार में पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम करती है। इसी कड़ी में आज हम आपको बिहार के गया के ब्रह्मयोनी पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के लिए 440 सीढ़ियों को पार करना होता है। इसके शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है। यह मंदिर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे स्थित है, जहां पिंडदान किया जाता है। इस स्थान का उल्लेख रामायण में भी किया गया है। दंत कथाओं पर विश्वास किया जाए तो पहले फल्गु नदी इस पहाड़ी के ऊपर से बहती थी, लेकिन देवी सीता के श्राप के प्रभाव से अब यह नदी पहाड़ी के नीचे से बहती है। यह पहाड़ी हिंदुओं के लिए काफी पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। यह मालनपुर के निकट है। पटना मेट्रो में सीधे इंटरव्यू के माध्यम से हो रही है बहाली। अगर आप भी नौकरी की तलाश में बैठे हैं तो आपके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है। पटना मेट्रो रेल के लिए बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 2 दर्जन से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की मांग की है, जिसमें जेई सिविल के 4, जेई इलेक्ट्रिक के 2 समेत मैनेजर, ड्राफ्टमैन, ऑफिस असिस्टेंट आदि के पद शामिल है। इसके लिए नगर विकास और आवास विभाग की वेबसाइट पर 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्लानर के लिए 1 पदों के लिए आवेदन की मांग भी की गई है। कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार सभी आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। सीएसबीसी बिहार ने फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए होने वाले पीईटी परीक्षा का जारी किया स्केड्यूल। बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर पदों के लिए होने वाले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 2021 का स्केड्यूल सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने जारी कर दिया है। कैंडिडेट जिन्होंने बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर पीईटी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वो सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर डिटेल स्केड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 10 जनवरी 2022 और 11 जनवरी 2022 के दिन आयोजित की जाएगी। मैट्रिक इंटर के टॉपरों को मिला 1 लाख रुपए और लैपटॉप। बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र और छात्राओं को शुक्रवार को सम्मानित किया गया। बता दें कि इस दौरान छात्रों को 1 लाख कैश और लैपटॉप दिया गया, जिसको पाकर छात्र काफी खुश दिखे। साथ ही कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए कई जिलों के जिलाधिकारी को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि बीते दिन देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी थी। इस दिन को बिहार सरकार मेधा दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन मैट्रिक और इंटर के छात्रों को सम्मानित किया जाता है। बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी होने के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इसीलिए इस बार दोनों साल के टॉपरों को सम्मानित किया गया है। आपको यह भी बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया था। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर कसा स्पेशल विजिलेंस का शिकंजा। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब स्पेशल विजिलेंस के निशाने पर वो आ गए हैं, जिसके बाद अब कुलपति से जुड़े मामले की जांच भी तेज हो गई है। आलम कुछ यूं है कि विजिलेंस विभाग लगातार कुलपति के कई ठिकानों पर छापेमारी करने का काम कर चुका है और अब यूनिट ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव से 12 सवालों का जवाब मांगा है, जिसमें विश्वविद्यालय में 2018 में अब तक खरीदी गई पुस्तकों का विवरण क्या है, इस खरीद का फैसला किसने किया और इसके कारण क्या है, जैसे सवाल शामिल है। बिहार में 7 आईएएस को मिला प्रमोशन। बिहार के प्रशासनिक सेवा में बीते दिन बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसके तहत 7 आईएएस अधिकारियों की प्रोन्नति कर दी गई। इनमें 5 को प्रधान सचिव स्तर में प्रोन्नति मिली तो वहीं 2 आईएएस को विशेष सचिव स्तर में प्रमोशन देने का काम किया गया। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सूचना प्राविधिक सचिव संतोष मल्ल को प्रधान सचिव में, ओबीसी कल्याण डिपार्टमेंट सचिव पंकज कुमार, ऊर्जा सचिव संजीव, अल्पसंख्यक कल्याण सचिव सफीना एएन, राज्यपाल सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू
को प्रमोशन प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन अपर सचिव एम रामचंद्र टुडू को विशेष सचिव में प्रोन्नति, राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी को विशेष सचिव में प्रोन्नति दी गई है। दरोगा बहाली पर रोक के बाद फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने बिहार में दरोगा बहाली पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब जाकर छात्रों का गुस्सा फूट गया है। यही कारण है कि पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दरोगा बहाली में शामिल छात्रों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान नाराज दरोगा अभ्यर्थियों ने बेली रोड पर सरदार पटेल भवन का घेराव किया। 2000 से अधिक अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन से सड़क पर लगभग एक घंटे जाम की स्थिति देखने को मिली। सड़क का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त नजर आया। इस वजह से सड़क पर भी कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी हुई और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ऐसे में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लगभग 45 मिनट तक अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने का काम भी चला। खाद की समस्या से अब किसानों को मिलेगा निजात। रबी फसल की बुआई में जुटे किसानों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उर्वरकों की किल्लत जल्द ही दूर होने वाली है। इस महीने की 5 तारीख तक सभी जिलों को उनकी जरूरत के हिसाब से डीएपी पहुंचा दिया जाएगा। इसकी रेक आनी शुरू हो गई है। उन्होंने इसको लेकर यह स्वीकार किया है कि डीएपी की किल्लत फिलहाल है। आवश्यकता के हिसाब से उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा था। केंद्र सरकार ने शीघ्र रेक पहुंचाने की जानकारी दी है। डीएपी की जो मांग है उसके हिसाब से उपलब्धता 35% है। नए वेरिएंट को लेकर बिहार के अस्पतालों में बेड तैयार। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले भारत में पाए गए हैं, जिसके बाद से ही सभी राज्य अभी से ही अलर्ट हो गए हैं। यही कारण है कि बिहार में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसके तहत ही बिहार के सभी अस्पतालों में कोरोना बेड तैयार किया जा रहा है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बेड तैयार किए जा रहे हैं। सरकार अंदर ही अंदर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन वाले बेड की तैयारी करवा रही है, जिससे अचानक से मामले अगर बढ़ते हैं तो इस पर कोई समस्या न हो। अस्पतालों को आदेश दिया जा रहा है कि वो कोरोना के लिए ऑक्सीजन वाले बेडों को तैयार रखे। सरकार के आदेश पटना में प्राइवेट अस्पतालों में बेडों की तैयारी भी की जा रही है। बिहार के मखाना को मिथिला मखाना के नाम से ही जानेगी पूरी दुनिया। बिहार सरकार ने मिथिला क्षेत्र की बड़ी मांग मान ली है, जिसके तहत कांग्रेस सदस्य प्रेमचंद्र मिश्र की तरफ से ध्यानाकर्षण पर विधान परिषद में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यह आश्वासन दिया है कि बिहार के मखाना को मिथिला मखाना के नाम से ही पूरी दुनिया अब जानने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मखाना के कुल उत्पादन का 90% बिहार में होता है और उसमें से 88% सिर्फ दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार जिले में होता है। यह पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। इतना ही नहीं, मखाना को बिहार के बजाय मिथिला के नाम से GI टैग देने के लिए इंटरनेट मीडिया पर बड़ा अभियान भी चलाया गया था, जिसके बाद सरकार के इस फैसले से मिथिलावासी खासकर की बेहद खुश है। बिहार में न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। बिहार में ठंड का असर अभी तक पूरी तरीके से नहीं देखने को मिला है, लेकिन जल्द ही बिहार में तापमान बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का तो यही मानना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में आगामी 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान स्थिर रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों को देखें तो प्रदेश में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवा का प्रवाह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक देखा जा रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 5 दिसंबर के बाद से ठंड का कहर और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। बिहार के IPS अधिकारी बने सिक्किम के DGP। बिहार से निकले कई IAS और IPS अधिकारी आज देश के कई राज्यों में बड़े पदों पर कार्यरत हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक और IPS अधिकारी NK मिश्रा ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि अब वो सिक्किम के पुलिस महानिदेशक की भूमिका निभाने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि NK मिश्रा बिहार के नवगछिया जिले के रहने वाले हैं। वही वो 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही उन्होंने बीते दिन से ही अपना पदभार संभाल लिया है। ज्ञात हो पुलिस महानिदेशक की कमान संभालने से पहले वो सिक्किम के विशेष होमगार्ड और सिविल डिफेंस DG पद पर भी तैनात थे। मंगोलिया के संसदीय शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। मंगोलिया संसद के अध्यक्ष सहित 23 सदस्यों के प्रतिनिधि दल का स्वागत बिहार में भव्य हुआ। इस दौरान मंगोलिया संसद के अध्यक्ष सहित 23 सदस्यों के प्रतिनिधि दल ने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर का दर्शन किया। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति के पास पूजा अर्चना की गई। पड़ोसी इस मौके पर महावीर के रिसेप्शन हॉल में गए और गया के DM अभिषेक सिंह ने मंगोलिया संसद के अध्यक्ष जननस्तर को मोमेंटो भी प्रदान किया। इसके बाद शिष्टमंडल में शामिल लोग श्रीलंकाई महावीर का भ्रमण करने गए, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को नमन किया। मंगोलिया से आए नेताओं ने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाया। मंदिर दर्शन के बाद शिष्टमंडल में शामिल लोग एक निजी होटल पहुंचे, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी।
गोल्ड मेडल जीतने पर श्रेयसी सिंह को विधानसभा अध्यक्ष और सीएम नीतीश ने दी बधाई। 6वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप पंजाब के पटियाला में आयोजन के दौरान जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद बिहार में बधाई देने वालों का तांता लग गया। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार विधानसभा के सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी श्रेयसी सिंह को बधाई दी है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने भी अपने बिहार विधानसभा स्थित कार्यालय में मेडल पहनाकर सम्मानित किया और अपना आशीर्वाद दिया है। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की, जिसकी तस्वीर श्रेयसी सिंह ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा की है। 23 जनवरी को स्वाभिमान दिवस मनाएगी जदयू। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जदयू ने लिया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब जदयू ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, बल्कि इससे पहले भी जदयू ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को स्वाभिमान दिवस के रूप में पिछले साल मनाया था। वहीं इस साल भी यही तैयारी है, जो कि 23 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस दौरान महाराणा प्रताप के नाम पर जदयू अपने संगठन के राजपूत नेताओं को एकत्रित करेगा। इस बाबत प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि स्वाभिमान दिवस पिछली बार के मुकाबले काफी भव्य होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने पूर्वज महाराणा प्रताप को स्वाभिमान दिवस आयोजित कर याद करेंगे। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बीते दिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, जिसके बाद बीते दिन सदन की शुरुआत हंगामे के साथ ही हुई। साथ ही इस दौरान विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। इसके साथ ही विधान परिषद में सभापति ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधान परिषद में राजद ने जातीय जनगणना पर कार्रवाई के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव की चर्चा की मांग की। वहीं विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने जीवेश मिश्रा मामले में वेल में उतरकर नारेबाजी की, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके बाद ही विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुशील मोदी की ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने की मांग पर एम वेंकैया नायडू ने दी सहमति। ऑनलाइन गेमिंग आज के समय में कई युवाओं के बीच लत का कारण बन गई है, जो कि अभिभावकों के साथ साथ अब सांसदों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने मोदी सरकार से ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और उस पर टैक्स लगाने का आग्रह किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग युवाओं के बीच एक लत बनता जा रहा है। क्रिप्टो उद्योग की तरह इस क्षेत्र में निश्चित रूप से एक नियामक की कमी है। अगर कोई नियमन नहीं बनता है तो हम अपने युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग एडिक्ट बनने से नहीं रोक पाएंगे, जिस पर ही राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सहमति व्यक्त की है और कहा है कि यह एक बड़ा खतरा है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मोदी के सुझाव पर ध्यान देने और इस पर कानून मंत्रालय से परामर्श करने के लिए कहा है। बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक बार फिर से बिहार सरकार का घेराव किया, जिसके तहत उन्होंने पूर्व सांसद आनंद मोहन और विधायक अनंत सिंह के मुद्दे पर आरोप लगाया कि सरकार राजनीति प्रतिशोध की नीयत से काम कर रही है। 14 साल सजा काट लेने के बाद अच्छा व्यवहार आचरण हो तो सरकार उसकी रिहाई पर विचार करती है, कई लोगों को रिहा भी करती है, लेकिन इस तानाशाही के दौर में यह सरकार पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से इस कानून का उपयोग कर रही है। कई ऐसे पीड़ित परिवार है जिन्हें नीतीश कुमार की सरकार सता रही है। वहीं आनंद मोहन के पुत्र और विधायक चेतन आनंद ने कहा कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो आनंद मोहन सिंह को बाहर निकालने के पक्ष में नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम ने की तैयारी। ट्विटर की तरह बेटा यानी कि फेसबुक ने नया टूल पेश किया है, जो खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर है। ट्विटर के नए टूल के मुताबिक महिलाओं को ऑनलाइन ट्रोलिंग से निपटने के लिए पावरफुल टूल दिया जाएगा, जिसकी मदद से महिला बिना अपनी पहचान उजागर किए ट्रोलर्स की शिकायत कर पाएंगी। वहीं बिना इजाजत आपत्तिजनक फोटो को शेयरिंग के खिलाफ फ्लैग रेज कर भी सकती हैं। इस तरह ऑटोमेटिक तरीके से फोटो को हटा दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि जिन महिलाओं को अंग्रेजी नहीं आती वो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में शिकायत कर पाएंगी, क्योंकि भारत में अपनी महिला सुरक्षा हब का भी विस्तार किया गया है और अब यह 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। गोवा के मारगांव के अगस्टिनो लॉरेंस ने 1860 में पेरिस विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ली। वो विदेशी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले पहले भारतीय बने थे। भारत और नेपाल के बीच 1959 में गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर आज के दिन हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच खराब होते हालात के मद्देनजर आपात सत्र बुलाया। भारतीय नौसेना ने 1971 में पाकिस्तान नौसेना और कराची पर हमला किया। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार 1888 में जन्म आज के दिन हुआ। अशोक गहलोत 2003 में विधानसभा क्षेत्र के 12वीं राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का जन्म 1919 में आज के दिन हुआ था। भारत के 8वें राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकट रमन का जन्म 1910 में आज के दिन हुआ था। आजाद पटेल पर
भारी पड़े मयंक अग्रवाल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त हुआ, जिसके तहत टीम इंडिया ने 4 विकेट गंवाकर 221 रन बना लिए हैं। फिलहाल मयंक अग्रवाल 246 गेंदों पर 120 रन और विकेट कीपर रिद्धिमान साहा 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पहले दिन सिर्फ 70 ओवर का खेल हो सका। विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। न्यूजीलैंड की तरफ से 4 विकेट स्पिनर एजाज पटेल ने लिए। उन्होंने शुभमन गिल को 44 रन पर, चेतेश्वर पुजारा को 0 रन पर, विराट कोहली को 0 रन और श्रेयस अय्यर को 18 रन पर आउट किया। पुजारा और कोहली एक बार फिर से फेल रहे। पुजारा ने पिछला शतक 3 जनवरी 2019 को लगाया था। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,820 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,070 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर था। मुजफ्फरपुर के आंख पीड़ितों का IGIMS में होगा इलाज। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही के कारण 15 से ज्यादा मरीजों की आंख निकालने की नौबत आ गई है, जिसके बाद से ही डॉक्टरों की इस भारी लापरवाही पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब इन सभी प्रभावित मरीजों का इलाज IGIMS में करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने 20 बेड वाला एक अलग वार्ड बनाने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक मुजफ्फरपुर से मरीज का IGIMS में आना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उनके उपचार की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आंख निकालने को लेकर सिविल सर्जन ने गुरुवार को ब्रह्मपुरा थाने में FIR दर्ज करवाई है। उन्होंने चिकित्सीय चूक के कारण मरीजों की आंख की रोशनी चले जाने और आंख निकाले जाने की बात कही है। मंत्री डीएम एसएसपी बहस में कूदे तेज प्रताप यादव। बीते दिन मंत्री जी और डीएम एसएसपी के बीच छिड़ा मामला शांत हो गया, क्योंकि खुद जिवेश मिश्रा ने पट्टा के डीएम और एसएसपी को माफ करने की बात कही। लेकिन इन तीनों के मुद्दे में अब तेज प्रताप यादव का बयान सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके तहत बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने जिवेश मिश्रा को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट कर पलटू मार बताया है। जहां कल तक विपक्ष मंत्री जी को इंसाफ दिलवाने के लिए वेल में नारेबाजी करती नजर आ रही थी, जैसे ही मंत्री जी नरम पड़े वैसे ही विपक्ष के भी सुर बदल गए, जिसका प्रमाण तेज प्रताप यादव है। उन्होंने बीते दिन इस मुद्दे को लेकर ट्वीट जारी करते हुए कहा कि ले लोटा, अब आधी रात को मिश्रा जी भी पलटू कुमार की तरह पलटी मार गए। ध्यान देने योग्य बात, मैं बात उस भीगी बिल्ली की कर रहा हूँ जो कल अपने आप को सरकार बता रहा था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, विकास कुमार सिंह, दिलीप कुमार, दिलीप राम, मनीष मोहरा, महेश दास, बाबू कुमार, राजीव कुमार, विकास कुमार सिंह, रमाकांत कुमार, पूजा कुमारी, नीतीश यादव, बासुकी कुमार, रविंद्र पासवान, सुष्मिता कुमारी, विवेक कुमार, भारत प्रसाद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार खेल के क्षेत्र में बिहार के किस खिलाड़ी ने बिहार का मान सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।